चीन की हैसियत बताने वाली घटना आ गई दुनिया के सामने। चीन लगातार अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता रहा है। चीन ने अपने दो एंटी सबमरीन फाइटर जेट्स को अपने एक पड़ोसी देश की वायु सीमा में उड़ाए। जब उस देश की वायु सेना ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी तो चीन के फाइटर जेट्स दुम दबाकर वापस लौट गए। ये घटना ऐसे मौके पर हुई जब उस छोटे से देश में अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी आने वाले थे। हुआ यूं कि चीन के दो एंटी सबमरीन फाइटर जेट्स ताइवान की वायु सीमा में प्रवेश कर गए। तत्काल ताइवानी वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने चीनी वायुसेना के फाइटर जेट्स को कहा कि तत्काल वापस जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद चीनी वायुसेना के दोनों फाइटर जेट्स तेजी से वापस भाग गए। चीन अक्सर ताइवान की वायु और जल सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। इस बात को लेकर ताइवान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत भी की है। चीन ने ताइवान की वायु सीमा में ऐसे समय घुसपैठ की जब अमेरिका से एक वरिष्ठ अधिकारी ताइवान के आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। पिछले हफ्ते ताइवान और चीन दोनों ही देशों ने अपनी अपनी समुद्री सीमा में सैन्य युद्धाभ्यास किया था। ताइवान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने लाइव फायर एक्सरसाइज कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग विन ने कहा कि हम चीन को बताना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। हम अपनी जमीन और चीन के घुसपैठ को रोकने में सक्षम हैं। अगर चीन ने कोई और गैर वाजिब हरकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। ताइवान के मिलिट्री ड्रिल में 8000 सैनिकों ने भाग लिया। इसमें वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स और स्वदेशी फाइटर जेट चिंग कुओ ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मध्य ताइवान के तटीय इलाके ताई चुंग में हुए सैन्य अभ्यास में टैंक्स भी गर्जे। इस युद्धाभ्यास को हान कुआंग नाम दिया गया था। ताइवान सैन्य शक्ति प्रदर्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के बीच कई बार ताइवान के ऊपर अपने फाइटर जेट्स उड़ा चुका है। ताइवान की नौसेना ने भी दक्षिण चीन सागर में टटो के पास मिसाइल और मशीन गन से सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान नेवी के कई लड़ाकू युद्धपोत समुद्र में देखे गए। चीन का दावा है कि ताइवान के कुछ द्वीप उसकी टेरिटरी में आते हैं, जबकि ताइवान कहता है कि ये द्वीप उसके हैं। हान कुआंग ताइवान की सेना का सालाना युद्धाभ्यास है। इसमें ताइवान की तीनों सेनाएं अपनी ताकत और अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।